नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। निश्चय ध्यान और चैतन्य केंद्र ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य केंद्रों पर निश्चय ध्यान के प्रयोग कराए जाते हैं। प्रश्न है भाव विशुद्धि का, हमारी चित्त वृत्तियां निर्मल रहे, विधायक भाव रहे, निषेधात्मक भाव न आए, इसके लिए निश्चय ध्यान बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। हरा रंग और नीला रंग ये दोनों बहुत उपयोगी हैं। हरा रंग विजातीय तत्वों को दूर फेंकता है और नीला रंग शामक होता है, मन की शांति देता है, उसमें उत्तेजनाएं समाप्त होती। एक जिज्ञासा हो सकती है कि पीला सफेद ये रंग तो अच्छे हैं, पर नीला रंग तो अच्छा नहीं माना गया, नील निश्चय का रंग है ये तो अच्छा नहीं है, यह मन में प्रश्न उठ सकता है। किंतु सभी रंग दो प्रकार के होते, प्रशस्त और अप्रशस्त। काला रंग भी प्रशस्त हो सकता है और सफेद रंग अप्रशस्त हो सकता है। सब सफेद रंग अच्छा नहीं होता और सब काला रंग खराब नहीं होता, सब नीला रंग खराब नहीं है और सब पीला या लाल रंग भी अच्छा नहीं, दोनों प्रकार हैं। तो हम प्रशस्त हरा रंग और प्रशस्त नीला रंग, इसीलिए ध्यान कराते समय यह सुझाव दिया जाता है कि चमकता हुआ नीला रंग, डार्क नहीं ब्राइट, चमकता हुआ। ये रंग विज्ञान में भी दो प्रकार मान लिए गए, एक रंग ठंडा और एक गर्म, वार्म एंड कोल्ड, और वैसे ही डार्क एंड ब्राइट जो बहुत गहरा है अच्छा नहीं माना जाता, हल्का होना चाहिए। तो यह रंग आनंद केंद्र पर जब हरे रंग का ध्यान करते हैं तो सचमुच आनंद की उपलब्धि होती है। एक शब्द आता है रुचक प्रदेश, आत्मा के आठ रुचक प्रदेश, यानी जो केंद्र होता है तो वह स्थान लगभग यहां दर्शाया जाता है। आज ही हमने देखा ध्यान से एक प्रतिमा कैलेंडर के साथ मुद्रित है, तो यहां फेफड़े के पास एक कमल सा बनाया हुआ, कमल क्या पत्तियां, केवल आठ पत्तियां बनाई थी। तो ये एक प्रकार से लगता है कि आत्मा का केंद्रीय स्थान है। तो ये आनंद केंद्र का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और सचमुच यहां आनंद हो सकता है और हरा रंग उसमें बहुत सहायक बनता है। वह विजातीय तत्वों को दूर करता है तो सहज ही आनंद की उद्भूति उसमें हो सकती है। वो नीला रंग बहुत शामक है, शांति देने वाला है, उत्तेजना को समाप्त करने वाला है। तो एक जानकारी यह प्रशिक्षक को होनी चाहिए कि हरा रंग केवल आनंद केंद्र पर ही नहीं कराया जाता, उसका प्रयोग अन्यत्र भी कराया जाता है। और आनंद केंद्र पर केवल हरे रंग का ही प्रयोग नहीं होता, अन्य रंगों का भी प्रयोग होता है। यह रंगों का प्रयोग वृत्ति के अनुसार बदलता रहता है। किस वृत्ति को बदलना है तो रंग का प्रयोग बदल जाएगा। जैसे उदाहरण लें कि दर्शन केंद्र पर प्रायः बाल सूर्य का ध्यान करते हैं, हल्का रंग लाल गुलाबी रंग जैसा या अरुण रंग उसका प्रयोग करते हैं, इसलिए अंतर्दृष्टि को जगाने के लिए। जब
आध्यात्मिक दृष्टि को जगाना है, अध्यात्म में और अधिक प्रवेश करना है, तो दर्शन केंद्र पर हरे रंग का ध्यान बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि हरा रंग अध्यात्म का प्रतीक रंग माना जाता है। तो उस समय जिस व्यक्ति को अपेक्षा हो कि यहां अध्यात्म की चेतना जगानी है, तो फिर हरे रंग का लंबे समय तक ध्यान चले। तो ये बदलते रहते हैं आवश्यकता और अपेक्षा के अनुसार और उद्देश्य के साथ, इसलिए यह कोई रिजिड नहीं है, यह कोई रूढ़ी नहीं है कि अमुक चैतन्य केंद्र पर अमुक रंग का ही ध्यान किया जाता है। अनेक इसके विकल्प बन जाते हैं, तो अमुक अपेक्षा है तो अमुक रंग का करो, दूसरी है तो इस रंग का करो। अब तेजस केंद्र है, यह तेजस केंद्र एड्रीनल ग्लैंड का प्रभाव क्षेत्र, तो यह उत्तेजना देने वाला है, शांति वाला नहीं है, उत्तेजना देने वाला है। किंतु जब ध्यान का प्रयोग ये चंद्रस्वर और सूर्यस्वर के साथ चलता है या नाड़ी शोधन का ध्यान चलता है, तो उस समय तेजस केंद्र पर भी सफेद रंग का चंद्रमा का ध्यान किया जाता है और सूरज का अग्नि का तो इस पर किया ही जाता है, तो चंद्रमा का भी किया जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक केंद्र पर ये रंग ध्यान बदलते रहते हैं। हमें तीन बातों का ज्ञान होना चाहिए कि किस वृत्ति को उपशांत करना है और उसे उपशांत करने के लिए किस चैतन्य केंद्र पर ध्यान करना है और किस चैतन्य केंद्र पर तदर्थ किस रंग का ध्यान करना है। इन तीनों का एक सम्यक स्पष्ट दृष्टिकोण बन जाए तो निश्चय ध्यान का बहुत उपयोग किया जा सकता है। और अब सोचा भी है एक शिविर केवल निश्चय ध्यान का बने, उसमें केवल निश्चय ध्यान के प्रयोग चले, ऐसा चिंतन भी किया गया है, संभवतः आगे होने वाला भी है। तो दीर्घ काल तक और परिवर्तन के लिए निश्चय ध्यान का मूल्य है, उसे ठीक हमें आंकना। दृष्टि और अध्यात्म में अंतर दृष्टि है वह ज्ञान की शक्ति, इंट्यूशन अपनी सम्यक दृष्टि भी है, पर है ज्ञान प्रधान दृष्टि है वह, जिससे कि हमें घटना का पता चल जाता है, हमें बहुत दूर की बात का भी पता लग जाता है, भविष्य का भी पता लग जाता है, तो ज्ञानात्मक दृष्टि है। और अध्यात्म है वह बीच रागात्मक दृष्टि है। अध्यात्म का मतलब है राग द्वेष का कम होना, और ये तो ध्यान में ना देखो किसी क्या है, कहाँ क्या हो रहा है, ये अंतर्दृष्टि है, तो वो अनुभव की स्टेज है। हाँ ठीक है, अनुभव की है, पर अध्यात्म का थोड़ा दूसरा, जिसमें अंतर्दृष्टि न हो वह भी आध्यात्मिक हो सकता है।